आज खास थे न सर जी और ऑपरेशन डीमार्ट डाका फर्स्ट पार्ट तो जबरदस्त सक्सेस रहा और बढ़िया रिस्पांस भी हमें मिला सात करोड़ से ज्यादा इंप्रेशन से पर आज जो आप पार्ट टू लेकर आ रहे हैं फॉलोअप साढ़े दस बजे इसके बारे में थोड़ा बताएं आज का पार्ट टू आई ओपनर है पिछला बार आई ओपनर था ये इन्वेस्टर्स के लिए इस बार आई ओपनर है इन्वेस्टर्स के आगे की स्टेज के लिए और ये आई ओपनर है ब्रोकर्स के लिए और एक्सचेंजेस के लिए क्योंकि okay. तो पिछली बार आपने देखा कि किस तरह से इन्वेस्टर्स को ही नहीं पता कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता हालांकि ब्रोकर्स को भी पता चला एक्सचेंजेस को भी पता चला कि हुँ. इस तरह की चीजें हो रही है लेकिन इस बार ये एपिसोड करने के पीछे पर्पज हमारा ये है कि आपको ये समझ में आए कि जो कुछ भी ये हैकिंग हो रही है साइबर फ्रॉड हो रहे हैं इसमें आपको कहाँ से और कितनी मदद मिल सकती है और मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? और आपको ये जान के बड़ा शौक लगेगा कि इस पूरी जंग में जहां पर एक और बहुत ही हाईटेक शातिर हैकर्स हैं जो आपका अकाउंट साफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक निरीह इंसान है निर्बल इंसान है निर्बल इन्वेस्टर से आम इन्वेस्टर है जिसकी कोई ताकत नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है दिक्कत की कि आपकी मदद करने वाला कोई भी, कोई नहीं, भी, है। भी नहीं है कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है और दीप मैं आज ये कहूंगा कि यह आज का एपिसोड देख के हो सकता है कई लोग ये सोचे कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट रखें या न रखें हम डिमेट अकाउंट रखें या न रखें मार्केट से सब शेयर बेच के निकल जाना चाहिए क्या इतना और हो सकता है कुछ लोग ये सोचे कि अगर मार्केट में रहना ही नहीं है तो आपका शो भी क्यों देखना है आपका चैनल भी क्यों देखना है हम वो सब जानते हुए भी उस रिस्क पर भी हमको आपको ये शो करके दिखाने जा रहे हैं क्यों कि कुछ लोगों की आंखें खुलना बहुत जरूरी है और जब तक वो नहीं होगा जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक एक्शन कैसे लेंगे तो आज का एपिसोड कई मायनों में इस सिस्टम में जुड़े हुए सभी लोगों को जगाने के लिए है और उस जगाने के लिए हम आपको ऐसे प्रूफ देंगे कुछ आपको रिकॉर्डिंग्स ऐसी मिलेंगी कुछ आपको स्ट्रिंग्स मिलेंगे कुछ आपको लाइव एग्जांपल्स मिलेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि सिस्टम में कोई भी इस तरह की हैकिंग को निपटने के लिए तैयार नहीं है नहीं। ऐसे में अंत में सिर्फ वो आदमी अकेला रह जाता है जिसके पैसे लगे हैं जिसके पैसे डूबे और उसको अकेले अपनी जंग लड़नी है तो हमारा आज का पर्पज ये है इस पूरे एपिसोड को दिखाकर कि किस तरह से एक सिस्टम ऐसा मजबूत तैयार किया जाए जिसमें जिस किसी के साथ गलत हो रहा है उसको लड़ने के लिए ताकत मिले और जो कोई गलत कर रहा है वो ये सोचे कि क्या कर लेगा मेरा क्या बिगड़ जाएगा हुँ. और कोर्ट से कब तक आप पैसे निकलवा के देख लोगे देख लेते हैं तो ये चीजों को खत्म करना है इसके लिए आज का एपिसोड है और हर एक को देखना चाहिए पिछले बार एपिसोड को आपने जो प्यार दिया करोड़ से ज्यादा ट्विटर इम्प्रेशन चालीस लाख से ज्यादा हम जिंदगी में सोच नहीं सकते थे कोई प्रोग्राम इतना सुपर हिट हो सकता है कल टीआरपी के नंबर्स भी आए थे वीकली नंबर्स मैं आपको दर्शकों को बताने चाहता हूँ हम हर हफ्ते टीआरपी के नंबर फ्लैश नहीं करते हैं क्योंकि आपको भी लगता है कि क्या हर हफ्ते नहीं निीजी बताते नंबर वन है नंबर वन सबको पता है ना उसमें क्या बताना है होता है कई बार सेल्स मार्केटिंग के लिहाज से एडवर्टाइजिंग के लिहाज से हमारा भी रेवेन्यू वहां से आता है इसलिए हमें नंबर्स बताने की जरूरत होती है लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले बार जो हमारे नंबर्स आए कल जो हमारे नंबर्स है वीकली नंबर अब तक की हाईएस्ट

कुछ भी नहीं है किसी की गलती निकालने का भी नहीं है हमारा पर्पज -पर सिंपल है कि हम सब साथ मिलकर एक मजबूत सिस्टम कैसे बना सकते हैं जहां पर हमारे इन्वेस्टर सेफ रहे और अच्छा। आज का पूरा शो भी उसी तरफ हमारा एक प्रयास है बिल्कुल तो जागरूक करने के लिए एक और बड़ा कदम साढ़े दस बजे आज सुबह मिस मत कीजिएगा ऑपरेशन डी मैट डा आज पार्ट टू अनिल जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं चलिए सर इसका तो इंतजार रहेगा और दो घंटे में शो आपके लिए आने की तैयारी